मस्त नजारे एंजॉय कर सकते हो आप। आप प्लीज ये मेरी जुल्फे माइंड मत करना, मैं अभी भी नहा कर आई और मैंने बाल ड्राई करे हैं। एनीवे गाइस, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल से देख सकते हैं, जो आज का व्लॉग है ना, वो मेरा लास्ट व्लॉग होने वाला है इस साल का। So, जिसको भी इस वीडियो का टाइटल देख के फेफड़े में हार्ट अटैक आ गया होगा, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। यार मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, आप तो मेरी फैमिली हो ना। ये फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हैं और वीडियो के पॉइंट पर जाते हैं। आज कोरिया में है क्रिसमस और मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम दाइसो जाने वाले हैं, वहां से हम कुछ क्रिसमस डेकोरेशन लेकर आएंगे, उसके बाद में हम सोल जाएंगे। सोल में थोड़ा बहुत घूमेंगे और अजय को भी घुमाएंगे, जो कि मेरा छोटा भाई। अब तो वापस इटली चला गया, लेकिन मेरा दूसरा भाई जिसका नाम है अजय, वो यहाँ पर आ गया कोरिया में एक दो हफ्ते के लिए। और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम जाने वाले एक यॉट पार्टी में। तो जो अमीरों वाली नाव आती है ना, जिसमें आप बैठकर खाना खाते हो और नजारे का मजा लेते हो, उसमें हम जाएंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और अभी हम जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और 250 चलते हैं बाहर। तो देखो कितनी जोर से बर्फ पड़ रही है। मैंने मेरी BTS की अम्ब्रेला ले ली और अभी बाहर चलते हैं। एक्चुअली इतनी भी ठंडी नहीं पड़ रही जितना मुझे लगा था पड़ेगी। मुझे यहाँ पे बैंक में कुछ काम है। मेहर, मैंने मेरे YouTube के और जॉब के पैसे आते ना, वो मैं इंडिया सेंड करती हूँ। मेरे बैंक का काम हो गया। और देखो गाइस, जो बर्फ पड़ रही थी ना, वो गिरना भी बंद हो गई, मतलब 5 मिनट के लिए आई थी। अजय भी आ गया और वहाँ पर गाइस देखो क्या है, बिग बॉस की आँख। 250 आ गए गाइस। तो अभी हम जल्दी से कुछ क्यूट क्यूट सी चीजें लेते हैं। और यहाँ पर देखिए BTS। प्लीज आपको मैम ने बताना कि आपका फेवरेट मेंबर कौन है। सबसे पहले हम ये छाबड़ी लेते हैं। ये सबसे बड़ा वाला क्रिसमस ट्री है, तो हम ये वाला लेते हैं। ओके। और अभी इसको सजाने की यहाँ से कुछ डेकोरेशन लेते हैं। ये गोल गोल बॉल्स भी ले लेते हैं, ये क्यूट सा सेट भी ले लेते हैं। मैं सोच रही हूँ ये पहन कर जो हमारा क्रिसमस ट्री है ना, उसको डेकोरेट करूँ। इसको भी छाबड़ी में ये चमकते हुए तारे भी ले लेते हैं। इसको देखकर मुझे जिमिन की याद क्यों आ रही। जिमिन भी ऐसे स्ट्राइप वाली शर्ट पहनता है। ये है सस्ती वाली बारबी। अरे ये तो मैं हूँ गाइस। मैं इतनी फेमस हूँ कि मेरे गुड्डे भी बनते हैं कोरिया में। जोक था गाइस, प्लीज सीरियसली मत लेना। मैंने मोमोज के लिए ये लिया है। तो क्रिसमस का सामान हमने पूरा ले लिया है, तो इसको पे करते हैं, उसके बाद में घर पर जाकर सब कुछ डेकोरेट करते हैं। ये रहा मोंगमोंग का सस्ता गिफ्ट। खाना नहीं है इसको, खाना नहीं है। लगता है इस कुत्ते को पता चल गया कि ये बहुत ही सस्ता गिफ्ट है। अबे कुत्ते किसको बोला? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम हमारा जो क्रिसमस ट्री है ना, उसको डेकोरेट करते हैं। ये तो झाड़ू लग रही है वहां पर। मोंगमोंग मूत के चला गया, प्लीज डोंट माइंड इट। मम्मा मुझे दे दे क्रिसमस डेकोरेशन। मम्मा तेरा नहीं, मम्मा मम्मा तो ये खा ले और उसके बदले मुझे वो दे दे, ठीक है मम्मा? ओके। अजीब गरीब क्रिसमस ट्री। अजय ने मुझे न्यू ईयर गिफ्ट में ये मैकबुक प्रो दिया था, तो मैं भी उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर रहे कुछ कपड़े अजय के लिए। मेरा क्रिसमस। अजय गुड़ बोल दे। और अभी मैं आपको जवानों के अड्डे में लेकर चलती हूँ। वो बहुत ही सुंदर है, स्पेशली रात को, क्योंकि पूरी लाइटों से सजा रखा है न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए। देखो कितनी सुंदर है वो क्रिसमस की लाइट। अभी पास जाके मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। इसके लाइट के कलर चेंज होते जा रहे हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और वहाँ पर ऊपर रहा चांद, अब ये पिंक हो गया है। बाई द वे पूनम का मतलब होता है फुल मून, और यहाँ पर भी रहा एक पर्पल कलर का फुल मून। यार मैं सेंटिमेंटल हो रही हूँ यहाँ पे, गाने भी ऐसे चल रहे हैं, सब अपनी फैमिली के साथ आए हैं। आह माय हार्ट, कुछ हो रहा है मुझे यहाँ पे। यार मुझे रोना आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। गाइज ये सारी लाइन वहाँ पर जो हार्ट है ना, उसके अंदर फोटो खींचने के लिए है। गाइज आपको वो सारी लाइटें कैसी लगी? अभी हमें जल्दी से घर पर जाना है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं सोल। अजय को थोड़ा बहुत सोल घुमाना है और हम एक यॉट पार्टी में भी जाने वाले हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली कल सोल में मिलती हूँ।
बाय गाइस, अभी हम सोल पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा होटल। और सैडली यहाँ पर अच्छी वाली चप्पल ही नहीं है जो कि मैं लेके जा सकती हूँ। आज की फैशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर रहा मेरा ब्लैक कलर का पैंट्स और ऊपर हम कोट पहनेंगे, गरम गरम कपड़े पहनेंगे और बाहर घूमेंगे। ये रहा बैग, मेरी बॉडी की कुल्फी बनने वाली है आज। ये वाले हैं हॉट पैक जो कि बहुत ही गर्म होते हैं, तो आपको ऐसे पॉकेट में रख दो और आपको ठंडी फील नहीं होगी ज्यादा। एनीवे, अभी हम मेट्रो स्टेशन में आए हैं। यहाँ से मेट्रो लेके हम रेस्टोरेंट जाएंगे पेट पूजा करने के लिए। और ये मेरे ग्लव्स कितने क्यूट है। अभी मैं आपको इंडियन जुगाड़ दिखा रही हूँ। जब आप ऐसे खड़े होते हो ना, आप थक जाते हो, ऐसे वेट कर सकते हो। गाइज, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब गरीब सी है। एनीवे, मेट्रो के उतरने के बाद में हम रेस्टोरेंट गए और वो रूमा लड़की एक तरीके से कोट उतार रहे। उसके बाद में मैंने बच्चों की तरह हाथ ऊपर करके ऑर्डर दिया। इतनी भूख लग रही है कि एनर्जी में बॉडी नहीं रही। मामिता, ये जलेबी से क्या है इसके अंदर? लुक्स लाइक अ फेस, आईज एंड नोज। भी ये नूडल्स इसके अंदर डालते हैं। कैसा है? गुड। लंच हमने खा लिया, अभी पे करेंगे। उसके बाद में आपको डायरेक्टली नेक्स्ट लोकेशन पर मिलूंगी जो कि बहुत ही सुंदर है। गाइस, देखो मैं कहाँ पर आ गई। ये रहा नमसन टावर। गाइस, आप वो वाला होटल रिकॉग्नाइज कर सकते हो? अगर आप पूजी जी के सच्चे भक्त ना, तो आपको पता होगा कि मैंने उस बिल्डिंग में कौन सा वाला व्लॉग बनाया था। यहाँ से चांद भी दिख रहा है, देखो। अजय कोरिया में आया है, सोल में, और मैं उसको नामसन टावर ना दिखाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? टावर की चोटी के ऊपर चलकर और मैं आपको कुछ एस्थेटिक मस्त मस्त वाले शॉट दिखाती हूँ। यहाँ पर निब्बा निब्बी अपनी प्रेम कहानी के लॉकर लगा के चले गए। जिसके पास लॉकर नहीं था वो अपने फोन कवर लगा के चले गए। मंजोली का, अरे नहीं, वंचोल हार्ट लॉक, इसके ऊपर अपना नाम लिख दो, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो और फिर बाहर जाके उसको लगा दो। अभी हम लिफ्ट लेके ऊपर ऑब्जर्वेटरी में जाएंगे। लिफ्ट भी क्या मस्त है। इस खिड़की की दिशा में न्यू दिल्ली है। आपको पता है, मैंने और अजय ने मम्मी पापा के लिए बिजनेस क्लास वो फ्लाइट की टिकट भी बुक करी थी ताकि वो आराम से ट्रैवल कर सके। लेकिन मैं, अभय और अजय कभी भी बिजनेस क्लास पर नहीं बैठे और मैं पहली बार, पता नहीं कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि पहली बार मैं यॉट पर जाने वाली हूँ। ये नामसन टावर का बाथरूम है और यहाँ से बाथरूम करते करते आप बाहर का व्यू भी देख सकते हो। बाहर के व्यू के अलावा आपको अपना खुद का व्यू भी दिख सकता है। मैं पीपी पूपू करते वक्त बाहर का व्यू देखूं या अपने आप को देखूं? गाइस, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये इस्तेमाल करते वक्त। गाइस, मेरी बॉडी की कुल्फी बन चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। हम वहाँ पर, आपको दिख रहा है यॉट क्लब, वहाँ पर आज हम डिनर करने वाले हैं और यॉट में बैठकर हम जो हांगंग रिवर है ना, जो कोरिया का सबसे फेमस रिवर है, उसके ऊपर सैर करने वाले हैं। लेट्स गो गाइस, पेट भर के खाना खाएंगे आज। आई होप खाना सच में फ्री में, पैसे ना लगे। यहाँ पर खाना रहा, डिनर करने के बाद में हम इस यॉट पर बैठेंगे। यार, ये लोग कितने रूड है। मतलब कि उन्होंने इस जगह पर कब्जा ही कर लिया। मतलब कि सबको मौका देना चाहिए ना बैठने का। गाइज, ये मेरा कोरिया का सबसे अजीब एक्सपीरियंस था। सब सिर्फ यहाँ पर फोटो खींचने के लिए आए थे, पता नहीं सबका फोटो शूट चल रहा था यहाँ पे। गाइज, फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और ऑनेस्टली बताऊँ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि इससे अच्छा था कि मैं घर पर रह जाती या फिर जल्दी से खांगजू चली जाती, है ना जय? यस, आराम पत्र पड़ रहा है इस आप का। Non è fatto per le persone semplici. मुझे ना आज कोरिया की एक सैड रियलिटी पता चल गई। मतलब मुझे ऑलरेडी से पता थी, लेकिन आज मैंने एक्सपीरियंस भी और देखी भी। जैसे कि आपको पता होगा, कोरिया में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, जो एक सोशल स्टेटस है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब कि लोग दिखावा बहुत करते हैं। और जैसे ही हम नाव में बैठे ना, वैसे लड़कियाँ जो बेस्ट प्लेस थी ना, वहाँ पर खड़ी हो गई, फ़ोटो खींचने लग गई। एक के बाद लोग आ रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। और ऐसा नहीं है कि
मतलब कि मैं और अजय तो कॉर्नर में खड़े होकर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे व्यू को, लेकिन बाकी के लोग सिर्फ फोटो खींच रहे थे। फोटो खींचने के बाद में वो निकल गए, मतलब कि यार यार बैठो आराम से देखो इन्जॉय करो बातें चीतें करो। नहीं, एक तो आप फोटो खींच रहे हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है फोटो खींचो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को भी चांस दो ना वहाँ पर खड़े होने का, व्यू को इन्जॉय करने का। वहाँ पर तो लोग आ गए, खड़े हो गए फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे थे, ताकि कि वो सोशल मीडिया पर लगा सके और लोगों को दिखा सके कि देखो हमारी कितनी कूल लाइफ है, हमने हम इस नाव में बैठे। लेकिन ऑनेस्टली वो कुछ इन्जॉय नहीं कर रहे थे, मतलब कि फ़ोटो के लिए स्माइल कर अच्छे अच्छे पोज दिए और निकल चले। पता नहीं कि मेरा अभी मूड थोड़ा सैड हो रहा है, मुझे इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि वो प्योरली 100% अपनी लाइफ इन्जॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है वो उनको मेंटेन करना पड़ता है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ खुश रहना, हैप्पी रहना और लाइफ को पूरी तरीके से इन्जॉय करना। किसी दूसरे को शो ऑफ करने के लिए मत इन्जॉय करो, किसी दूसरे को दिखाने के लिए मत इन्जॉय करो, अपने लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। ये बच्चे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो जैक कोरिया का जो रिवर है ना, समुंदर क्या बोलते हैं रिवर को हिंदी में, नदी, नदी जो कोरिया की नदी है ना, उसमें तुझे घुमाया। गॉड्स।